are you? Horn is hell too. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। और आज मैं आपके लिए एक हॉरर थ्रिलर मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है द हेक्स। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही पसंद आएगा। तो आइए अब इस मूवी की शुरुआत करते हैं। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम बेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ में एक बीच साइड पर बैठकर चेस खेल रहा था। तभी उसकी नज़र सामने से आ रही एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एम्बर पड़ती है और उसे देखने के बाद में वो उसे पसंद करने लगता है और बात करने उसके पास में जाता है। लेकिन एम्बर यहाँ पर बेन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस न देते हुए वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में बेन अपने भाइयों के साथ में एक बियर शॉप में इंजॉय कर रहा था कि तभी वहाँ पर एम्बर भी आ जाती है जो वहाँ पर बैठे बेन से बात करती है। फिर बाद में वो दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं और डिनर ख़त्म करने के बाद एम्बर बेन को अपने घर पर चाय के लिए इनवाइट करती है। जिसके बाद में हम बेन को एम्बर के घर में देखते हैं जहाँ पर वो बेन से वेट करने का बोलकर खुद शॉवर लेने के लिए चली जाती है। वहीं पर बेन को एम्बर के रूम में किसी के कपड़े का एक पीस मिलता है और उसे देखने के बाद में वो एम्बर से पूछता है कि क्या तुम्हारे अलावा यहाँ पर और भी कोई रहता है। और उसके जवाब में वो बताती है कि कुछ टाइम पहले एक लड़की उसके रूम में उसी के साथ में रहती थी लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शहर छोड़कर भाग गई। अब इतना बताते हुए एम्बर अचानक से दरवाज़ा खोलकर बेन के सामने पूरी नेकेड आ जाती है और उसे देखने पर बेन एक्साइटेड हो जाता है और दोनों इंटीमेट होने वाले थे। लेकिन एम्बर अचानक से सब कुछ रोक देती है और इसके बाद बेन अपने घर पर चला जाता है। अगली मॉर्निंग हम एम्बर के साथ किसी अननोन पर्सन को बदतमीजी करते हुए देखते हैं जिसे बेन भी देख लेता है और वो उसकी मदद करते हुए उस आदमी को बहुत मारता है और एम्बर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर अब सीन शिफ्ट होता है और हम बेन को उसके भाइयों के पास देखते हैं जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि वो इस बार उनकी ट्रिप को ज्वाइन नहीं कर पाएगा क्योंकि एम्बर के साथ में उसे वीकेंड पर जाना है। और उसे सुनने के बाद बेन के भाई उसे खुद का ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसी रात हम उन दोनों को एक पार्टी में इंजॉय करते हुए देखते हैं जहाँ पर एम्बर उसी आदमी को स्टॉक करते हुए देख लेती है और उसे देखने के बाद में वो बेन से बहाना करके वहाँ से चली जाती है और वो आदमी अपने कुछ दोस्तों के साथ बेन पर अटैक कर देता है। और जैसे ही वो बेन को मारने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि कोई अननोन एविल स्पिरिट बेन को बचाते हुए उन सभी पर अटैक कर देती है और उनमें से दो लोगों को जान से मार देती है। और इसी के साथ में ये सीन यहीं पर कट होता है। अब फिर अगले सीन में हम बेन को उसी घर में बेहोश देखते हैं जहाँ का वर्कर उसे जगाता है और बेन एम्बर की तलाश में उसके घर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि बेन को चेस करते हुए उसके घर तक आ जाता है और बेन को शूट करने के लिए वहाँ पर आया था। लेकिन अचानक से उसकी कार के डोर खुद पर खुद लॉक हो जाते हैं और कार का म्यूजिक सिस्टम बहुत ही लाउड वॉइस में बजने लगता है और उससे वो आदमी बहुत ही परेशान होता है कि तभी अचानक से उसकी सीट पीछे चली जाती है और कार की सीट बेल्ट किसी इविल पावर के साथ उसके गले में फंस जाती है और उसके दम घुटने की वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। बेन भी वहाँ से गुजरते हुए उसे देख लेता है और तेजी से एम्बर के घर की तरफ बढ़ता है। फिर हम एम्बर के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देख पाते हैं कि कोई अनजान शक्ति एम्बर पर काबू करके उसका रेप कर रही है जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। फिर वहाँ पर बेन आ जाता है जो कि एम्बर को संभालता है और उसे कम्फर्ट करता है। वो एम्बर से ऐसी हालत का कारण पूछता है। वो ये बताती है कि उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जिस वजह से वो बहुत ही परेशान है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एम्बर ने बेन से झूठ बोला और उसने ऐसा क्यों किया ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। दोस्तों फिर अगले दिन वे लोग एक क्लिनिक पर मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं जहाँ पर एम्बर को कुछ खतरनाक विजन आने लगते हैं और उसे देखकर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बेन को बताता है कि तुम्हें कुछ इविल स्पिरिट चेस कर रही है और मुर्दा लोग तुम्हारे शरीर पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। और इतना कहने के बाद में वो बेन को कुछ अजीब सी दवाई भी देता है और बताता है कि इस दवा को एम्बर को खिला देना। अब हम बेन को एम्बर के लिए चाय बनाता हुआ देखते हैं जहाँ पर उसे एम्बर के घर में काफ़ी अजीब सा फील हो रहा था और उसे मिरर पर गेट आउट लिखा हुआ भी दिखता है और वो इन सबसे घबरा कर एम्बर की चाय में उसी दवाई को मिला देता है। उस चाय को पीने के बाद एम्बर बेहोश हो जाती है
और उसके मुंह से झाग निकल लगता है। उसे देखकर बेन उसकी जान बचाने के लिए उसी डॉक्टर के घर पर जाता है और वहां पर उसकी असिस्टेंट दरवाजा खोलती है और वो दोनों को लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है, जहां पर एम्बर उन्हें एक बेड पर बैठी दिखाई देती है जो कि किसी इविल की तरह रिएक्ट करती है। और जैसे ही बेन उसके फेस के बालों को हटाने की कोशिश करता है, वैसे ही एम्बर उसका गला दबाकर उसे मारने लगती है। लेकिन वो डॉक्टर और असिस्टेंट मिलकर यहाँ पर बेन की जान बचा लेते हैं। अब फिर वे दोनों एम्बर की बॉडी पर कुछ पवित्र सिंबल बनाकर उसे रिचुअल के लिए तैयार करने लगते हैं, लेकिन बेन उन्हें ऐसा नहीं करने देता है क्योंकि उसके मुताबिक एम्बर को मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे और इसी के कारण वो इतना ज्यादा वियर्ड बिहेव करती है। फिर इसी के चलते वो डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट को अपने घर से बाहर निकाल देता है और एम्बर के पास जाकर उसे गले से लगा लेता है और उसकी बॉडी पर बने सिंबल को वो हटाने के लिए उसे शॉवर देता है, जहाँ पर बेन एम्बर की बॉडी पर कुछ निशान देखता है, जिसके बाद में एम्बर उसे बताती है कि वो अपने ट्विन सिस्टर के साथ में पैदा हुई थी और उन दोनों की बॉडी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जिससे कि उन्हें ऑपरेशन की मदद से अलग कर दिया गया था। और उसी ऑपरेशन में उसकी बहन जिसका नाम डायोना था वो मारी गई थी। डायोना का नाम सुनकर बेन थोड़ा डर जाता है क्योंकि उस डॉक्टर ने भी बेन से डायोना का जिक्र किया था। और इसी के साथ में यह सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। अब अगली मॉर्निंग हम बेन को बेड से उठता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर वो अपने सामने एम्बर को उसके रूममेट के कपड़ों को फेंकते हुए दिखाई देती है, जिसे देखते हुए वो दोबारा से अपने बेड पर चला जाता है। और जब वो दोनों बीच पर रेस्ट कर रहे थे तो बेन एम्बर से उसकी रूममेट के कपड़ों के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वो उसे बताती है कि शायद वो अपने कपड़े ले गई होगी। वहीं दूसरी तरफ हम रियलिटी को देखते हैं, जहाँ पर एम्बर के अंदर की इविल स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि उसके सिस्टर डायना की ही थी। वो अपनी पावर की मदद से अपने रूममेट को मार डालती है और यहाँ पर बेन उसके झूठ को पकड़ लेता है और उसके फोन में एम्बर और उसके रूममेट की इंटीमेट फोटोज को भी देखता है, जिसके बाद में बेन एम्बर से नाराज होकर वहां से चला जाता है। अब फिर हम बेन को देखते हैं जो अपने भाइयों के साथ में एक बार एंजॉय कर रहा था और सारी पुरानी बातों को भूलकर एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहा था कि तभी एक दिन उसके फोन में एम्बर का वीडियो मैसेज आता है, जिसमें एम्बर ने सुसाइड अटेम्प्ट किया होता है और वो एक बहुत ही जहरीले पॉइजन को खा लेती है, जिसे देखने के बाद में बेन उसे बचाने के लिए उसके घर पर जाता है, जहाँ पर वो एम्बर को बाथटब में ढोंच पाता है और बड़ी मुश्किल से वो एम्बर की जान बचा लेता है। अब फिर हम उन दोनों को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एम्बर बेन को उसकी इविल सिस्टर डायना के बारे में बताते हुए ये कहती है कि डायना ही उसकी बॉडी के अंदर रहती है और उसी की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बिहेव करती है। फिर इसके साथ में वो बेन को एक प्रीस्ट के बारे में बताती है जो कि उसे इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। पहले तो बेन किसी प्रीस्ट के पास जाने से बिल्कुल मना कर देता है, लेकिन एम्बर के बार बार इंसिस्ट करने पर वो उस प्रीस्ट जिसका नाम डी राइस था उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। अब फिर हम उन दोनों को जंगल में देखते हैं, जहाँ पर वो उस प्रीस्ट को ढूंढ रहे होते हैं और तभी अचानक से उनके सामने डी राइस का असिस्टेंट आ जाता है जो उन्हें लीड करते हुए डी राइस की गुफा तक पहुंचा देता है। फिर अब एम्बर उसे अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बता देती है और जब वो प्रीस्ट एम्बर को चेक करता है तो वो उन्हें बताता है कि वो इविल स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जैसे ही डी राइस डियोना का नाम लेता है, तभी वहाँ पर लगे सारे मिरर्स खुद ब खुद टूट जाते हैं और फिर बेन भी उसकी बात मान जाता है और वो भी एक्सोसिज्म के लिए तैयार हो जाता है। अब हम डी राइस के सभी लेडी असिस्टेंट को देखते हैं जो कि एम्बर को अपने साथ में ले जाती है और उसकी बॉडी पर पवित्र सिंबल को बनाने लगती है, जिसके बाद में वो बेन को समझाता है कि इस एक्सोसिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तुम हो। वो बेन को बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम एम्बर को आज़ाद नहीं करोगे। और जब वो अपना नाम डायना बताने लगे, वैसे ही तुम इस बकरे की गर्दन को काट देना। और इतना बताते हुए वो अपने सभी साथियों के साथ में वहाँ से चला जाता है। फिर हम एम्बर को देखते हैं जो कि बेन को उसे आज़ाद करने के लिए मजबूर करती है, लेकिन उसके बहुत ट्राई करने पर भी जब वो उसे आज़ाद नहीं करता है तो एम्बर एक डेमोनिक सी आवाज़ निकाल कर बेन को डराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बेन उसे नहीं खोलता है और उस बकरे के पास में जाकर इविल स्पिरिट से उसका नाम बोलने पर मजबूर करने लगता है, ताकि जैसे ही वो अपना नाम डायनो बोले वैसे ही वो बकरे का गला काटकर उस इविल स्पिरिट को बकरे के अंदर भेज दे और बकरे की मौत के साथ डायना की भी डेथ हो जाए। लेकिन एम्बर ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि वो इविल स्पिरिट वहां से जा चुकी है और आखिर में वो बेन को मजबूर कर देती है उसे खोलने के लिए। फिर जैसे ही बेन उसके एक हाथ को आज़ाद करता है,
तभी एम्बर उस पर अटैक कर देती है और उससे बचने के लिए बेन पीछे जाता है, जहां पर वो एम्बर के अंदर से बाहर आती हुई उसी इविल स्पिरिट डायना को देखता है, जो बाहर आकर बेन पर अटैक कर देती है। और उसे बचने के लिए एम्बर अपना गला काटकर डायना को उसकी बॉडी के अंदर आने के लिए फोर्स करती है। और एम्बर को ऐसा करता देख बेन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वो डायना के स्पिरिट से टकरा जाता है, जिस कारण से डायना अब बेन की बॉडी में चली जाती है। फिर जब वो एम्बर के पास में जाता है तभी एम्बर उसे मारकर बेहोश कर देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम बेन को उल्टा लटका हुआ देखते हैं और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे बहुत ही भयानक एग्जोसिस्म के लिए तैयार किया जा रहा था। और यहाँ पर एम्बर बेन को ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है जो कि बेन को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली टॉर्चर करती है। और यहाँ पर इस मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि असलियत में एम्बर ने जानबूझकर बेन को अपने प्यार में फंसाया ताकि वो अपनी इविल सिस्टर से आज़ादी पा सके, जो कि उसके साथ ही जुड़ी हुई पैदा हुई थी। और उसे ऑपरेशन के थ्रू अलग किए जाने पर वो मर जाती है, लेकिन उसकी आत्मा एम्बर के अंदर ही रह जाती है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो प्रीस्ट जिसका नाम डी राइस था और वो डॉक्टर सारे एम्बर से मिले हुए थे, और फिर वो डॉक्टर एम्बर को अपने साथ में बैठा कर वहाँ से चला जाता है। अब बेन कहाँ पर और किस हालत में है ये किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि उसके भाइयों को भी बेन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसने उस जंगल में आने से पहले किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। और इन द एंड एम्बर के मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, बेन नाम का एक सीधा साधा लड़का जो कि अपने भाइयों के साथ में हॉलीडे पर जाने वाला था, लेकिन उसके सामने आती है एक खूबसूरत सी लड़की और वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसा कर उसे अपने साथ में ले जाती है। लेकिन बेन को क्या पता था कि इस खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की के अंदर क्या चल रहा है। बेन उस लड़की के अजीब बिहेव को नोटिस भी करता है। वो बेन को बताती है कि वो अपनी बहन के साथ में जुड़वा पैदा हुई थी जो कि उसके शरीर से ही चिपकी हुई थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन के जरिए अलग कर दिया, पर उसकी बहन की बुरी आत्मा अभी भी उसके साथ में है और इसीलिए वो बहन से हेल्प मांगती है। बेन उसे एक प्रीस्ट के पास में ले जाता है, लेकिन प्रीस्ट और वो लड़की मिलकर बेन के अंदर उस बुरी आत्मा को डाल देती है। और इस खूबसूरत लड़की ने जानबूझकर बेन को अपने प्यार में फंसाया था ताकि वो अपने अंदर की बुरी आत्मा को बेन के अंदर डाल दे। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि जल्दी मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।